हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनर टेक्निकल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जारी की गई वैकेंसी के बारे में। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आएँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में भी अपडेट्स मिलती रहें। तो आपके इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है आपके 935 HRD MP MRCL 035 2023, और यह आपके 21/7/2023 को जारी किया गया है। रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन MP मेट्रो 2023 मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का एक जॉइंट वेंचर है। MP MRCL इनवाइट एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आज पर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये वैकेंसी आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स इस प्रकार हैं, आपके इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/7/2023 से शुरू होंगे और इसके अंदर आप 31/8/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई हैं। सबसे पहले जो आपके पोस्ट आती हैं वो है आपके MPM 2023, जिसका पोस्ट कोड है 01 सुपरवाइज़र ऑपरेशंस। ये आपकी सुपरवाइज़र की पोस्ट है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है 26। आपके पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है 33,000 से 1,00,000 रुपये। इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस प्रकार हैं, जिन भी कैंडिडेट ने बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन कैंडिडेट ने BSc होनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिन कैंडिडेट ने BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इक्वल वेटेज से किया हुआ है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके मेडिकल कैटेगरी रहेगी A1। आपके अगली पोस्ट जिसका पोस्ट कोड है 02 सुपरवाइज़र सिग्नलिंग एंड टेली कम्युनिकेशन रोलिंग स्टॉक्स, इसके अंदर आपके 7 पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई हैं। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी चेक कर सकते हैं। आपके यहाँ पर पे स्केल रहेगा 33,000 से 1,00,000 रुपये, और इसके अंदर जिन भी कैंडिडेट ने 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल से किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मेडिकल कैटेगरी रहेगी B1। अगली पोस्ट जिसका पोस्ट कोड है 03 मेंटेनर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम एंड रोलिंग स्टॉक्स, इसके अंदर आपके 10 वैकेंसी हैं और इसका जो पे स्केल है 20,000 से 60,000 है। जिन भी कैंडिडेट ने 10th के बाद NCVT या फिर SCVT से ITI किया हुआ है, जी इसके अंदर जो ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स फिटर रेफ्रिजरेशन AC मैकेनिक फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जिन कैंडिडेट ने 12th बाद ITI किया हुआ है इन ट्रेड से वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए पोस्ट जिसका पोस्ट कोड है 04 यह आपके सुपरवाइज़र की पोस्ट है TN, इसके अंदर आपके 8 पोस्ट पर वैकेंसी है और इसका पे स्केल 33,000 से 1,00,000 रुपये है। इसके अंदर जिन भी कैंडिडेट ने 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल कैटेगरी B1। अगली पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड है 05 मेंटेनर ट्रैक TN E&M, इसके अंदर 9 पोस्ट हैं। इसके अंदर आपका पे स्केल है 20,000 से 60,000 रुपये, और इसके अंदर जिन भी कैंडिडेट ने 10th प्लस ITI किया हुआ है NCVT SCVT इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स फिटर रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो कैंडिडेट 12th बाद ITI करते हैं वो भी कर सकते हैं, बस उनकी ट्रेड जो यहाँ पे दी हुई वो होनी चाहिए। अगली पोस्ट जिसका पोस्ट कोड है 06 सुपरवाइज़र ट्रैक, जिसके अंदर 2 पोस्ट हैं, पे स्केल 33,000 से 1,00,000 हैं। इसके अंदर 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा सिविल से किया हुआ है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका मेडिकल कैटेगरी रहेगा B1। अगली पोस्ट जिसका पोस्ट कोड है 07 ये आपके मेंटेनर ट्रैक की वैकेंसी है। इसके अंदर पे स्केल 20,000 से
60,000 रुपये हैं और इसके अंदर जिन भी कैंडिडेट ने 10th प्लस ITI की NCVT या फिर SCVT फिटर ट्रेड से कंप्लीट होनी चाहिए वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12th प्लस ITI वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं फिटर ट्रेड वाले। मेडिकल कैटेगरी आपकी रहेगी B1। अगली पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड है 08, सुपरवाइजर वर्क्स। इसके अंदर पे स्केल 33,000 से 1,00,000 रुपये। इसके अंदर 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल वो कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है आपके जिसका पोस्ट कोड है 09, मेंटेनर वर्क्स के अंदर 3 पोस्ट है। मेंटेनर वर्क्स के अंदर 3 पोस्ट हैं जिसके अंदर आपके पे स्केल 20,000 से 60,000 है और इसके अंदर जिन भी कैंडिडेट ने 10th या फिर 12th के बाद ITI की हुई है, 2 ईयर NCVT या फिर SCVT उनके ट्रेड फिट रहे हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट जिसका पोस्ट कोड है 10, स्टोर के अंदर आपके असिस्टेंट स्टोर की वैकेंसी है, इसके अंदर 2 पोस्ट हैं। इसका पे स्केल 25,000 से 80,000 रुपये हैं। इसके अंदर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग वो चाहे किसी भी डिसिप्लिन से हो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड 11, ये आपके HR की वैकेंसी है, HR यानी असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स। इसके अंदर 2 पोस्ट हैं, पे स्केल 25,000 से 80,000 रुपये हैं। इसके अंदर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, आपने किसी भी डिसिप्लिन आर्ट साइंस कॉमर्स से ग्रेजुएट किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पोस्ट कोड है आपके 12, अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर आपके असिस्टेंट फाइनेंस की पोस्ट हैं। इसके अंदर 2 पोस्ट हैं, इसका पे स्केल 25,000 से 80,000 रुपये हैं। इसके अंदर BCom MCom वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर CA किया हुआ है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और भी इसमें कैटेगरीज हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। टोटल पोस्ट जो वैकेंसी आई है वो आपके 88 पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई हैं। का रिजल्ट वेटिंग में वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिए हैं वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट आपके मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 28 ईयर और ये आपके कट ऑफ डेट रहेगी वो आपके 1 जुलाई 2023 से काउंट की जाएगी। और जो आपको एज में छूट मिलती है वो किस प्रकार है तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसका टेबल भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी छूट देख सकते हैं। SC और ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर, OBC कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे 5 ईयर की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे छूट है वुमेन, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से छूट चेक कर सकते हैं। और कोई अगर कैंडिडेट ऐसा है जो पहले से गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब में है, एम्प्लॉय है किसी भी सेक्टर के अंदर, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC प्रस्तुत करना रहेगा। सेलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट्स, तो आपके यहाँ पे पोस्ट कोड के हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है। यहाँ पे CBT है, CBAT है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड CBT होता है, CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद में होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुपरवाइजर ऑपरेशंस को छोड़कर जिसका पोस्ट कोड 01 है उसी के अंदर आपके CBAT का एग्ज़ाम होता है। बाकी अदर पोस्ट के लिए आपके CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। ओनली 1 पोस्ट है यहाँ पे जिसका पोस्ट कोड 01 है, सुपरवाइजर ऑपरेशंस। इसके अंदर आपके CBT, CBAT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट कंडक्ट होंगे। ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको भी रीड कर सकते हैं। एग्ज़ाम सिटीज़ क्या रहेगी, तो एग्ज़ाम सिटीज़ इस प्रकार हैं। आपकी CBT जो कंडक्ट होगा वो आपके भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, इन सिटी में कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये एग्ज़ाम आपके SIPS के अंदर कंडक्ट हो सकते हैं। CBT कंडक्ट होगा उसके लिए आपको टाइम प्रोवाइड किया जाएगा 2 आवर, और आपको एग्ज़ाम सिटी के अंदर आपको 3 प्रिपरेंस इंटर करनी रहेगी।
और यदि कैंडिडेट कम होते हैं तो आपके एग्ज़ाम ओनली भोपाल और इंदौर के अंदर कंडक्ट होंगे। एग्जामिनेशन फ़ीस क्या रहेगी, तो यहाँ पे फीस के बारे में दिया हुआ है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 590 रुपये प्लस जीएसटी रहेगा, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फॉर एमपी, जो एमपी के कैंडिडेट है केवल उनके लिए 295 प्लस जीएसटी रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर आप पढ़ सकते हैं, आपके इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी दिया हुआ है। डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के बारे में यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड की गई है। आपके सीबीटी होगा वो 2 आवर का ड्यूरेशन रहेगा, इसमें सिंगल और मल्टीपल डेज के अंदर कंडक्ट हो सकते हैं। आपके एक दिन के अंदर 2 या 3 सेशन भी कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। आपको जो सीबीटी रहेगा उसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके एमसीक्यू 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका जो सिलेबस है वो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, और आपके क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। आपके जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा के अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की, और आपके क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स इस प्रकार हैं। यू आर कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स आने चाहिए, 30% फॉर एससी ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, और एसटी कैंडिडेट के लिए 25% मार्क्स आने चाहिए। यदि एमपी एमआरसीएल चाहे तो वो आपके सीबीटी को 2 स्टेज में कंडक्ट करवा सकते हैं, पहला आपके प्री और दूसरा एडवांस के तौर पर, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। और उसके अलावा यदि कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं तो उसमें कैसे डिसाइड होगा, उसका रंग दिया हुआ है, उसको भी चेक कर सकते हैं आप। आपके जो सीबेट कंडक्ट होगा, डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबेट, तो इसके लिए आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 42 ऑल कैटेगरीज के लिए, और क्वेश्चन पैटर्न और अदर डिटेल्स सीबेट की जानकारी के लिए आप यहाँ पे जो वेबसाइट दी हुई है उस पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, जो भी प्रोसेस होने वाले उन सब के बारे में दिया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा पूरा ही, और ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम तक रहेगा। इसमें अभी वो टाइम कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का है। इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इसको चेक कर सकते हैं, और इसको अप्लाई करने का और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।